हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे नए चैप्टर और नए वीडियो में जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो नाइन्थ क्लास का थर्ड चैप्टर है। एक्चुअल में सेकंड जो चैप्टर है वो मनीष जी ने पढ़ा दिया है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया है। तो सेकंड चैप्टर अगर आपको पढ़ना होगा तो उसका मैं आपको भेज दूंगा डायरेक्टली लिंक। तो देखिए आप, अब थर्ड चैप्टर क्या है अपना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पहले नहीं था, एनसीईआरटी की बुक आपकी जैसे आई ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें चैप्टर आ चुका है। तो वैसे मैंने टेंथ वालों के लिए भी ये वीडियो बना दिया, लेकिन आपके लिए अलग से बनाना पड़ा ताकि आप नीचे के बेस से इसको पकड़ पाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिकॉज आपने एट्थ क्लास में भी इसको पढ़ा नहीं है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है किसी भी पॉइंट दिया हुआ उसको निर्देश करना कि वो कहाँ पे, उसकी पोजिशन बताना। जैसे मैं हूँ यूनिक स्कूल में हूँ, कौन से रूम में हूँ, ट्वेल्थ क्लास के रूम में हूँ, तो ये मतलब लोकेशन बताना, लोकेशन बताने का काम करता है निर्देशांक ज्यामिति। अपना डेली रूटीन में तो काम करता है गूगल मैप, वैसे इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं उनका काम करता है लोकेशन बताने का, कौन स्थिति बताने का, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति देखो, निर्देशांक क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हुआ था, एक संख्या रेखा आई थी जिसके बारे में अपने पहली प्रस्तावना में पढ़ा था कि एक संख्या रेखा होती है जिसके अंदर यहाँ जीरो होता है, यहाँ एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, ऐसे करके हम इन्फिनिटी मतलब अनंत तक चले जाते हैं। जीरो के इधर की बात करें तो माइनस का एक होता है, माइनस का दो होता है, माइनस का तीन होता है, माइनस का चार होता है, और इधर अनंत तक कहीं तक भी जा सकते हैं भाई। ये थी एकदम संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्या थी कि एक ही लाइन में बता सकती थी कि एक यहाँ है, दो यहाँ है, माइनस एक यहाँ है, दो यहाँ है। उसके बाद में आया कार्तीय तल। अब कार्तीय तल क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है, निर्देशांक ज्यामिति का हिस्सा है। कार्तीय तल क्या होता है कि एक और लाइन आ जाती है, उसके बाद में एक और लाइन आ जाती है ऊपर की साइड, और वो भी संख्या रेखा ही होती है। उसके ऊपर भी प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार, पांच, जितने लिखो, और नीचे माइनस के लिखे रहते हैं। देखिए आप कैसे लिखे रहते हैं कि सेम यही है कि एक लाइन तो यहां पे थी, दूसरी लाइन इसके ऊपर और खींच दी भाई, संख्या रेखा नंबर लाइन एक और खींच दी, तो ये अपना आप क्या बन गया, कार्तीय तल, जिसको मैं ग्राफ बोलूंगा कि ग्राफ अब शो करना हो गया, अपना ग्राफ बन गया है। देखिए कैसे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। अब इसमें दो चीजें आती हैं, अब देखिए क्या दो चीजें आती है। जैसे आप खड़े हो जमीन पे, खड़े हो तो आप हो उसके क्षितिज या ऊर्ध्वाधर में, वो होता है ऊर्ध्वाधर खड़ा होना, और अगर आप लेट गए वो होता है क्षितिज। अब कैसे, देखिए आप, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षितिज। इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। क्या होता है हॉरिजॉन्टल और क्या होता है ऊर्ध्वाधर, हमेशा ध्यान रखिए। जो अर्थ से सीधा बिल्कुल खड़ा रहता है, जैसे अपने पोल लगे रहते हैं, खंबे लगे रहते हैं बिजली के खंबे, वो ऊर्ध्वाधर लगे होते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या, वर्टिकल लगे होते हैं पृथ्वी के, जो अपनी सरफेस है, जो अपना ग्राउंड है, उसके बिल्कुल सीधे खड़े लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं हम वर्टिकल। और जो क्या होते हैं, इसमें लेटे रहते हैं बिल्कुल ऐसे इस तरह, उनको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षितिज। तो देखा जाए तो कौन सी लाइन में क्षितिज और कौन सी ऊर्ध्वाधर है, तो ये अपनी ये लाइन तो है इसके ऊर्ध्वाधर, और ये वाली लाइन क्या है, इसके क्षितिज है जमीन के। अगर नीचे जमीन यहां पे है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, ये अपना हो गया वर्टिकल और ये अपना हो गया हॉरिजॉन्टल। तो दो लाइनें आपको याद रखनी है कि कौन सा वर्टिकल होता है, कौन सा हॉरिजॉन्टल होता है, या कौन सा क्षितिज होता है, कौन सा ऊर्ध्वाधर होता है। अब देखिए आप, इनके अंदर हुआ क्या कि इनके अंदर हम बोल नहीं पा रहे थे कि भाई एक, मैं बोलता था एक तो, एक तो इसमें भी है इस लाइन में, और एक इसमें भी है। तो उसके लिए क्या किया, इनको डिफाइन कर लेकर इनको सही पहचानने के लिए इनको नाम दिया गया, जिसको इस लाइन को बोला गया अक्ष, इस लाइन को बोला गया वाई। लेकिन बोला ये वाई इधर तो प्लस वाले को, तो इधर वाले तो वाई है, इधर वाले को बोल दिया वाई डैश, इधर एक्स डैश, कि ये इसकी परछाई पड़ रही है। जैसे आप साइंस में पढ़ते हो ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, उत्तर और अवतर दर्पण लेंस पढ़ोगे ना, तो उनकी जैसे इमेज बनती है, जो छाया बनती है, जो उनकी परछाई बनती है, जो भी उनका डायग्राम बनता है, उसके अंदर अगर वस्तु का नाम ए बी दिया रहता है तो उनका नाम ए डैश बी डैश होता है, इसका मतलब ये इनकी परछाई है। तो वैसे ही इनकी परछाई, ऐसे मान लिया। दूसरी बात, ये तो कोई खास नहीं है, आपको बस इतना याद रखना, इधर अक्ष डैश, इधर अक्ष डैश, इधर वाई, इधर वाई डैश। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इनके बीच में जहां ये दोनों लाइन कट होती हैं, जहां ये दोनों लाइन कट होती हैं, उस कट को हम हमेशा बोलते हैं ओरिजिन। ओ से इसको डिनोट करते हैं, ओ से इसको लिखते हैं ओ, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। जहां पे लाइन कट होती है उसको बोलते हैं हम ओरिजिन, जिसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। अब देखिएगा ये मूल बिंदु यहां पे हो गया। उसके बाद में देखिए ये जो ग्राफ है, ये चार पार्ट में डिवाइड रहता है, चार पार्ट में, चार पार्ट है इसके, चार भाग है, पहला
दूसरा, तीसरा, ये रहा चौथा। चार पार्ट हो गए इसके कि पूरा पार्ट एक है, तो एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनको हम बोलते हैं चौथा भाग है, इसका मतलब इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं अपन? चतुर्थांश। और हिंदी में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। सॉरी, इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेंट। ये भी क्या बन गया अपना? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। ये भी अपना चतुर्थांश बन गया और ये भी अपना चतुर्थांश बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेंट बन गया। तो इसके चार क्वाड्रेंट होंगे। हमेशा याद रखना कि इसके चार भाग होते हैं ग्राफ के, जिनको हम चतुर्थांश या क्वाड्रेंट बोलते हैं। दूसरी बात हमें एक पता लग गई कि जहां भी ये दोनों लाइनें क्या होती हैं, दोनों लाइनें या जहां पे मिक्स होती हैं, जहां पे मिलती हैं, उस लाइन को जहां मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं और उसको बोलते हैं ओरिजिन। तीसरी बात, अब हमें आ जाना है कि भाई क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और एक बात और, इनको बोलते हैं अक्ष एक्सिस, मतलब अक्ष अक्ष। अक्ष का मतलब ये लाइन से लिया गया है कि अक्ष अक्ष है, अक्ष अक्ष। ध्यान रखना है अक्ष क्या है, कि ये अक्ष अक्ष ही बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, कि ये लाइन है, इस लाइन को हम अक्ष बोलते हैं। किसकी लाइन है? वाई अक्ष की लाइन है। और इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। इंग्लिश में बोल देंगे एक्सिस। तो ये अक्ष एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हिंदी में बोले तो ये अक्ष अक्ष है और ये क्या है अपना? वाई अक्ष है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली इसको अक्ष एक्सिस भी बोल सकते हैं, या फिर एक इसका नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं भुज, और हिंदी सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं अपसीसा। याद रखना इस लाइन को है ना, हम भुज भी बोल सकते हैं और वैसे क्या बोलेंगे? अपसीसा। और इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्डिनेट। और इंग्लिश में सॉरी हिंदी में क्या बोलेंगे? कोटी। ये याद रखना, चोटी नहीं है, कोटी है, ध्यान रखना। तो क्या बन गया? अक्ष अक्ष की जो लाइन है उसको हम भुज भी बोलते हैं, और वाई की जो अक्ष की लाइन है उसको हम क्या बोल सकते हैं? कोटी भी लाइन बोलते हैं। अब देखिएगा हम कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले निर्देशांक जानना जरूरी होता है कि निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में आते हैं, बीच में कोमा होता है, इधर अक्ष आता है, इधर वाई आता है। अब ये क्या आते हैं एक्स वाई, कि कैसे इनको कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, कैसे निर्देशांक को लिखा जाता है। तो मैं बार बार इनका दो नाम ना बोलूं, अगर मैं कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं तो आप निर्देशांक उसको समझ लीजिएगा, या निर्देशांक मेरे मुझसे निकल जाए तो आप उसको कोऑर्डिनेट समझ लीजिएगा। देखिए अब क्या होता है, जैसे मैं बात करूं इसकी डिजिट की, कि भाई यहां पे मैंने यहां पे लगा दिया एक पॉइंट। अब इसकी लोकेशन देखना कैसे बताए गए, कि यहां पे एक पॉइंट खो चुका है। अगर ये अपने साथी को फोन करेगा किसी को, तो अपना क्या बताएगा लोकेशन? ये बोलेगा कि मैं कहां पे हूं, टू और वन पे। कैसे? अक्ष का हमेशा कोऑर्डिनेट पहले आता, तो अक्ष पे तो दो था, ये अक्ष की लाइन, तो अक्ष का तो दो था, और वाई का कितना है यहां पे? एक है। तो ये बोलेगा मैं दो एक पे मौजूद हूं, मेरे को यहां से आके ले जाइए। ठीक है, हमेशा पहले क्या आता है? अक्ष का कोऑर्डिनेट आता है। या मैं यहां पे बात करूं इसकी, तो ये वन, अक्ष का तो कितना है? वन है, और वाई पे कितना है? यही टू है, ये लीजिए वन और टू। मैं बात करूं यहां पे, अब कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां कैसे करें सर। तो देखिए यहां अक्ष तो है चार भाई, और वाई यहां पे कुछ भी नहीं है, वाई देखो यहां तक तो जीरो ही होता है, वाई यहां कुछ भी नहीं है, तो वाई यहां पे जीरो होता है। तो अक्ष अक्ष की लाइन पे हमेशा वाई जीरो होता है। जैसे मैं बोलूं कि यहां पे क्या है भाई बताइए, तो यहां अक्ष की लाइन पे तो अक्ष तो माइनस दो का है, वाई यहां पे जीरो है, अक्ष की लाइन पे हमेशा वाई जीरो होता है। या मैं वाई की लाइन पे बात करूं कि भाई यहां पे बताओ क्या होगा, तुम बोलोगे सर यहां वाई की लाइन आ गई, वाई की लाइन पे अक्ष तो जीरो होगा, तो पहले तो आप जीरो लिख दीजिए, उसके बाद में वाई की जगह माइनस थ्री लिख दीजिए। समझ गए? हमेशा अक्ष का पहले आता है, वाई का बाद में आता है, जो भी कोऑर्डिनेट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे इसकी बात करूं, अक्ष यहां पे कितना है? तीन। वाई कितना है यहां पे? माइनस का दो। देखिए अब तीन और माइनस को देखो, यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, ताकि मैं भी कैमरे में आ जाऊं, आपको नहीं हाथ हाथ दिखेगा। देखिए तीन और माइनस दो क्या क्या है, तीन और माइनस दो की बात करते हैं, क्या है ये? ये निर्देशांक तो है, आपको पता लग गया। निर्देशांक किसको बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट, बीच में कोमा, पहले अक्ष उसके बाद में वाई, ये अपने निर्देशांक है, ये अपने कोऑर्डिनेट है। अब देखिए यहां पे मैंने तीन कोमा माइनस दो को लिखा। अब देखिए कैसे तीन कोमा माइनस दो को हम सोल्व करते हैं। पहले जो नंबर आता है ये वाला, ये तीन है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अक्ष, हिंदी में बोलूं तो अक्ष का निर्देशांक। इस तीन को क्या बोलते हैं? ये किसका निर्देशांक है? अक्ष का ही तो निर्देशांक है, आपको पता है, पूरा तो निर्देशांक है, तीन और माइनस तो पूरा कोऑर्डिनेट है, पूरा निर्देशांक है। लेकिन अगर अक्ष की बात करूं, ओनली अक्ष की, तो अक्ष यहां पे क्या है? अक्ष यहां पे है अक्ष का कोऑर्डिनेट, यहां पे तीन क्या है? अक्ष का कोऑर्डिनेट। माइनस दो की बात करें,
माइनस दो क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, या फिर आप क्या बोलोगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वाई का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूँ आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो और पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, वो पीडीएफ पहले क्वेश्चन लेंगे, बेसिक में नहीं रहेगा, बेसिक में आपको सिर्फ नोट्स भेजे जाएंगे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो और जैसे जैसे सर बोले भाई दो और तीन कितने होते हैं, वीडियो में भी आप बोला करो सर पांच होते हैं, चाहे हमें सुने नहीं लेकिन हम फील कर लेते हैं कि आपने बच्चों ने बोला होगा कन्फर्म। अब देखिए y का निर्देशांक है और ये x का निर्देशांक है। अब देखिए क्या है, इनको x का और y का निर्देशांक, अब मान लीजिए मैं यहां पे 5 और 2 लिखता हूं, ऐसे ही कहीं से भी उठा के यहां से होगा। 5 क्या है आप बोलोगे सर x का निर्देशांक है, 2 क्या है आप बोलोगे सर y का निर्देशांक है, या फिर इंग्लिश में बोलूं तो 5 क्या है, 5 क्या है अपना कोऑर्डिनेट ऑफ x और 2 क्या है अपना कोऑर्डिनेट ऑफ y। अब देखिए क्यों करवाया मैंने, इनके डबल नाम होते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट ऑफ x भी बोल सकते हो और इसको अब्सिसा भी बोल सकते हो, या इसको कोऑर्डिनेट ऑफ वाई भी बोल सकते हो, या फिर ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। हिंदी में बात करूं तो इसको तुम भुज भी बोल सकते हो और इसको तुम कोटी भी बोल सकते हो। तो पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे इसको क्या, अगर तीन की बात आई कोई पूछे भाई तीन क्या है, तुम तीन को बोलोगे सर अक्ष का निर्देशांक है, या फिर पूछे भाई दूसरा नाम बताओ इसका, दूसरा नाम क्या होगा इसका, भुज भी बोल सकते हैं इसको, दूसरा नाम भुज भी बोल सकते हैं। कोई पूछे यहां भुज क्या है, तुम बोलोगे तीन है, क्योंकि अक्ष भी हमेशा भुज होता है। तो हमेशा याद रखना कि तीन क्या है, भुज है, माइनस दो क्या है, कोटी है, या फिर वाई का निर्देशांक है। ठीक है, जैसे किसी का अच्छा सा नाम हो कार्तिक, उसका घर पे तो नाम होता ही है पप्पू टप्पू जो भी होता है, वैसे इनका अलग अलग नाम होता है, अक्ष का निर्देशांक बोला तो ये क्या है, भुज भी है। अब ऊपर की बात करें तीन और माइनस दो की, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोल सकते हैं इसको कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, लेकिन अब इसको अगर अलग नाम देना हो तो अब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो आप दोनों में याद रखिएगा कि भुज को हम अब्सिसा भी बोलते हैं और कोटी को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों आना बड़ा आजकल कंपलसरी हो गया, तो आप दोनों में याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो इतना काम हो गया, चलिए फटाफट से इसमें बताइए, पांच और तीन लिखे मैंने, फटाफट से बताएंगे इसमें भुज क्या है हिंदी मीडियम वाले बच्चे, भुज क्या है, भुज है अपना वेरी गुड पांच है, कोटि क्या है अपनी तीन है, गुड। वाई का निर्देशांक कितना है यहां पे तीन है, और एक्स का निर्देशांक कितना है पांच है, वेरी गुड आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बताएंगे ऑर्डिनेट क्या है इसमें, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट अपना तीन, और अब्सिसा क्या है अपना पांच, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है वाई का थ्री है, वेरी गुड, और एक्स का कोऑर्डिनेट भी कितना है पांच, और पूरा क्या है ये पूरा अपना निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है पूरा का नाम आया। तो अब देखिए डिस्टेंस की बात और कर लेते हैं इसके अंदर, ये तो अपना हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, बाकी ये नोट्स के द्वारा आपको बता दिया जाएगा, अपना नोट्स आएगा, बस आपको समझना है कि मैंने यहाँ पे क्या रामायण यहाँ पे लिखी है। अब देखिए अगर मैं बात करूं पांच और तीन की, भाई डिस्टेंस मतलब दूरी, आप इसको तो हिंदी में बोल ही सकते हो डिस्टेंस मतलब दूरी होती है। अब देखिए मैं बोलूं अक्ष से कितना दूर है तो हमेशा उल्टा हो जाता है, अक्ष का निर्देशांक तो पांच है लेकिन अक्ष का कि अक्ष से तो तीन सेंटीमीटर दूर है, तीन यूनिट मान लो, तीन इकाई दूर है, कोई भी मीटर किलोमीटर कितना भी हो सकता है, और वाई से कितना दूर है पांच सेंटीमीटर दूर है। जब भी दूरी की बात आती है हमेशा इनको उल्टा कर देते हैं, जब भी दूरी पूछेंगे तो दूरी कितनी है पांच सेंटीमीटर दूर है, सॉरी अक्ष से तो कितना दूर है तीन सेंटीमीटर दूर, और वाई से कितना दूर है पांच सेंटीमीटर दूर, पांच सेंटीमीटर या यूनिट आपको जो भी बोल दो, तो और वाई का निर्देशांक तो तीन है और अक्ष का निर्देशांक पांच है, ये तो कंफर्म है, लेकिन दूरी पूछी तो उल्टा कर दो, समझ गए। तो दूरी पूछे तो हमेशा क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप एक मेरे को बताइए, मैं आप लिखता हूं थ्री और माइनस का टू, बताइए अक्ष से कितना दूर है, अक्ष से कितना दूर है बताइएगा, अक्ष से कितनी डिस्टेंस है माइनस का दो, वेरी गुड। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या कभी भी जो दूरी होती है वो माइनस में नहीं आती है। कोई आपसे आके पूछे भाई साहब सीकर कितना दूर है, आप बोलोगे माइनस के 10 किलोमीटर चले जाओ, माइनस में थोड़ी जाते हैं। कोई बच्चे की हाइट है इतनी 6 फुट की, 5 हो गई, 4 हो गई, 0 तक तो हो सकती है, फिर अंदर थोड़ी घुसेगा उसको, अंदर थोड़ी घुसा दोगे, तो माइनस में नहीं होती है। माइनस सिर्फ हमें ये बताता है कि उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन बताता है कि वो किस साइड का है, कि मतलब माइनस अगर वाई में आ रहा है इसका मतलब वाई नीचे की साइड है, अक्ष अगर माइनस आ रहा है तो इधर की साइड है। जैसे प्लेन उड़ते हैं तो हमेशा प्लस के किलोमीटरों में उड़ते हैं, प्लस का 2 किलोमीटर ऊपर है, प्लस का 3 किलोमीटर ऊपर है। सबमरीन जो पनडुब्बी होती है पानी के अंदर चलती है, वो पानी से जितने नीचे चलती है माइनस में उनकी डिस्टेंस आती है, हमेशा ये याद रखना आप। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अपन बोलते हैं बिल्डिंग को कि भाई ये 15 माले की है या 15 मीटर ऊपर की है, कुछ भी हमने बोला, कुएं को देखे तो हम बोलते हैं 100 मीटर गहरा है, गहरा लग गया, जबकि कुएं में कूद जाओ और फिर कुएं को ऊपर से देखो, फिर बोलोगे भाई 15 मीटर का ऊंचा या 100 फुट का ऊंचा है, तो
कुएं में कूदते ऊंचा बन गया लेकिन पहले गहरा था, वो गहरा शब्द माइनस के लिए आता है, ठीक है। तो कभी भी ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है वो माइनस में नहीं आती है, इसलिए मैंने बोला कि हाँ ये सिर्फ आपने को दिशा बताएगा कि किस साइड इसकी डायरेक्शन है, ठीक है बच्चों। तो अभी ये इसके बारे में इतना ही था कि भाई ये पाइक चतुर्थांश है, इसके अंदर अक्ष होता है, वाई होता है जिसको कोटि बोलते हैं। मूल बिंदु की और बात करते हैं तो मूल बिंदु के निर्देशांक दोनों यहाँ पे है ना जीरो जीरो जाते हैं, तो आप याद रखिएगा और तीन बार मेरे साथ बोलिए, मूल बिंदु जो ओरिजिन होता है उसके निर्देशांक कितने होते हैं, जीरो जीरो। कितने निर्देशांक होते हैं, जीरो जीरो। मूल बिंदु या फिर ओरिजिन बोलूं उसके निर्देशांक कितने होंगे, यस जीरो जीरो, दैट्स गुड, जीरो जीरो होंगे। अब देखिए यहां पे मैंने इतना सब कुछ बताया है, अब आपको इसके अंदर अगले वीडियो में शायद 10 मिनट से भी ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा वो, उसके अंदर आपको सारे मैं 3.1 नहीं करवाऊंगा, 3.1 प्रैक्टिकली है, उसको बाद में करेंगे अपन क्लास में, 3.2 और 3.3 की चर्चा करेंगे उसके अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।